वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने अपने क्षेत्र कोंटा की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी की गाल से कर दी। वही मंत्री लखमा ने कहा कि हमारे क्षेत्र की सड़कें हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी हैं। आपको बता दें कि धमतरी के प्रभारी मंत्री लखमा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मंत्री बनने मुझे अभी कुछ ही महीने हुए हैं और मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं, लेकिन मैंने उस क्षेत्र में सड़कें बनवाई हैं बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की जैसी। जबकि मंत्री द्वारा दिए गए इस विवादित बयान पर भाजपा ने पलटवार किया, साथ ही भाजपा नेता रविकांत चंद्राकर ने इसे कांग्रेस का संस्कार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने में भी नहीं झिझकती, वो कांग्रेस किसी महिला सांसद का सम्मान क्या करेगी। तो लखमा मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया है और एक बार पहले भी ऐसा बयान आ चुका है जब इस प्रकार के बयानों का उपयोग किया गया हो। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं, उसके बाद इस खबर पर उनसे चर्चा करूंगी। पंकज जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, इसके साथ ही विवेक श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी से नेता है। पंकज जी क्या कहेंगे, सबसे पहला सवाल मैं इसलिए आपसे पूछूंगी कि विपक्षी दल होने के नाते भाजपा के पास बहुत कुछ होगा इस पर बोलने के लिए, लेकिन मर्यादा होनी चाहिए एक मंत्री की, खासकर मंत्री की मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधित्व करते हैं, एक उनको लोग फॉलो करते हैं, और वो इस प्रकार के बयान दे, सड़कों का कंपैरिजन किसी महिला के गालों से, वो भी जो सांसद हो बतौर अभिनेत्री भी रह चुकी हो। देखिए ये नहायत निंदनीय है और किसी को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी किसी महिला के खिलाफ। बिल्कुल, और ये चीज आपको मैं आपको बिहार की तरफ ले चलता हूँ। लालू यादव भी कहा करते थे कि बिहार की सड़कें हो तो हेमा मालिनी के गाल जैसी, तो ये बहुत ये उसी तर्ज पे इन्होंने भी ये चीज कहा है, तो ये चीज नहीं कहनी चाहिए। किसी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं, और मतलब किसी को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी पे भी अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। और राजनीति में जिस तरह की भाषा आप लोग बोलने लगे हैं तो वो सब चीजें कंट्रोल करना चाहिए, और उस स्वस्थ राजनीति की पहचान नहीं। बिल्कुल, और संबंधित पार्टी को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की चीजें कहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें निहायत निंदनीय है। पंकज, सवाल मेरा यही है, किसी पार्टी का कोई नेता कोई बयान दे देता है, उसके बाद उस पार्टी का कोई व्यक्ति ये तक नहीं कहता कि इन्होंने जो बात कही वो गलत है, उनका केवल एक स्टेटमेंट आती है कि पार्टी का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। जी ये बहुत पुरानी परंपरा रही है और हर बार ऐसा ही होता है जो आप कह रही कि लोग पल्ला झाड़ लेते हैं किसी प्रकार के बयान से और उससे कुछ नहीं कहते, माफी मांगने तक को नहीं कहते। ये तो कह ही सकते हैं कि आप माफी मांगिए, हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, तो आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप उससे माफी मांगिए, इतना तो कह ही सकते हैं। लेकिन वो के नाते ही कह लीजिए, लेकिन आपको राजनीति के नाते नहीं लग रहा कि माफी मांगनी चाहिए, नैतिकता के नाते मांग लीजिए। हमारे घर परिवारों में अगर सड़कों पर भी कोई किसी को कुछ कह देता है तो वही माफी मांगी जाती है, अगर गलती से टकरा जाते तो भी माफी मांगी जाती है, और आप तो किसी बड़ी अभिनेत्री की एक सांसद की तुलना सड़कों से कर दे रहे हैं, सड़कों से कर दे रहे हैं, उसके बाद आपकी पार्टी का कोई बयान नहीं आ रहा, बयान नहीं आ रहा, फिर बाद में इसी पे कह के पल्ला झाड़ देंगे कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, पार्टी से उसका कोई लेना देना, तो ये कोई बात तो हुई नहीं। बिल्कुल, विवेक जी क्या कहेंगे, आपकी पार्टी के राजनेता भी इससे क्योंकि अछूते नहीं रहे हैं। हो जाती, लेकिन कोई इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी किसी महिला के बारे में करे, जहाँ तक हमारी जानकारी कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। विजय वर्गीय जी ने बयान दिया था, मैं आपको याद दिला दूं, कैलाश विजय वर्गीय ने बयान दिया था, उन्होंने भी सड़कों की तुलना करी थी महिला सांसद के गालों से, और समान महिला थी हेमा मालिनी जी की सही करी गई थी। देखिए जैसे सड़कों का स्टेटस सिंबल बन गई है हेमा मालिनी, लालू यादव कहा करते थे, ये पहले लालू यादव ने सबसे पहले इस प्रकार की टिप्पणी की थी, तो क्या उस टिप्पणी को आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि राजनीति किस तरीके से करी जाती है तो आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन बयान कैसे किसी के गालों को लेकर दिया जाएगा या आगे बढ़ा दिया गया, जिस तरह का बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री है ये, संवैधानिक पद पे है, इनको इस तरह से हुई, चार बार की सांसद हेमा मालिनी जी, बिल्कुल सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, बड़ा अच्छा कैरियर उनका रहा, अच्छा राजनीतिक भी उनका कैरियर है, ऐसे इस तरह की छोटीहीन टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, वो दोयम दर्जे का आचरण है। एक चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये जो क्रम हम देख रहे हैं, पंकज जी भी इस बात से बिल्कुल सहमति जताएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ये बस जुबानी
शुरू हुई थी, आरोप लगना शुरू हुआ था, उसी दिन से जो चौकीदार था वो चोर बना था, और उसके बाद से जो क्रम शुरू हुआ वो एक तरफा चलता गया। फिर आजम खान लिस्ट में शुमार हुए, उनके बयानों की तो कोई सीमा ही नहीं रही। फिर एक दिन वो पहुंचे तो उन्होंने स्पीकर पर टिप्पणी कर दी। क्या महिलाओं के प्रति हमारी सोच इतनी ज्यादा तुच्छ हो गई है? मैं सिर्फ तुच्छ और निम्न ही कह सकती हूँ, इसके आगे इसके लिए शब्द मेरे पास नहीं होंगे। देखिए काव्या जी, ये समाज का गिरता हुआ स्तर है जी। समाज कहाँ जा रहा है? समाज का नहीं, राजनीति का। समाज का नहीं, राजनीति का। ये राजनेताओं के बयान है काव्या जी। राजनेता भी इसी समाज से आते हैं। पहले वो समाज के हिस्सा है, वो भी समाज के फर्क समझिएगा। समाज में अगर कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो शायद दो चार लोगों को इससे फर्क पड़ता होगा, लेकिन अगर एक राजनेता उस शब्द का इस्तेमाल किसी सभा को संबोधित करते हुए कर रहा है तो तस्वीरें जरा टीवी स्क्रीन पर देखिए कि वहाँ पर सभा कितनी बैठी हुई थी। वही कहना चाह रहा हूँ, जो ये राजनेता है वो भी समाज का ही अंग है, इन्हीं में से चुन के वो राजनेता आते हैं जी। तो सच पूछिए तो समाज का यही आईना है, यही दर्पण है। समाज कैसा है वो इनके आचरण से दिख जा रहा है। आपकी बात मुझे जिस तरह का आचरण इन लोगों का है वो समाज गिरते हुए स्तर को दिखा रहा है। अस्वीकार्य मुझे आपकी बात। पंकज जी, क्या राजनीति का स्तर गिरता हुआ समाज का आईना हो सकता है? नहीं, समाज राजनीति ठीक है, समाज से लोग उसमें आते हैं, बल्कि जो राजनीति में आते हैं उनको तो और एक मैसेज देना चाहिए और इस तरह की चीजें करनी चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ पत्रकारिता के पेशे में लोग ऐसा करने लगे तो कितना निंदनीय होगा। बिल्कुल, तो एक समाज का स्तंभ है, मतलब चार अगर पत्रकारिता में लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप केवल पत्रकारों को कहेंगे वेग जी, उस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि समाज में लोग ऐसे ही हो गए। ये बिल्कुल, आप कहेंगे कि पत्रकार ऐसा करते हैं। तो वैसे हम कहेंगे कि राजनेताओं के प्रमुख बयान है जो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किसी महिला के प्रति कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है और इसका बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए और संबंधित कांग्रेस पार्टी को भी इसका उसपे माफी मांगना चाहिए, किसी को तो टिप्पणी करनी चाहिए और इस तरह से बोलना चाहिए। हेमा मालिनी को तो स्टेटस सिंबल बना लिया, जिसका मन होता है वही हेमा मालिनी के ऊपर बयान देना शुरू कर देता है, ये कितनी गलत बात है। बिल्कुल, ये बहुत ही गलत है, इसका विरोध होना चाहिए और कांग्रेस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब सोनिया गांधी से की तुलना अगर भी होने लगे तब कोई विरोध ना हो तो आप बताइए, अभी यही बात सोनिया गांधी के लिए कही गई होती तो क्या होता, तब तो हाहाकार मच गया होता, उसके डंडे चलने लगते, उसके पत्थर चलने लगते, ढेले चलने लगते। ये चीज है कि नहीं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ऊपर अगर टिप्पणी हुई होती तो क्या होता? तब तो आप तुरंत कहते उसको बयान दीजिए, पार्टी से निष्कासित करिए, सब करिए, सारे एक्शन हो जाते, है कि नहीं? ये चीज बिल्कुल गलत है। राजनीति की क्या नैतिक जिम्मेदारियां नहीं होती है? क्योंकि आप राजनेता रहे हैं, छात्र संघ से राजनेता रहे हैं, छात्र जब राजनीति की शुरुआत करते हैं, नया नया जब राजनीति का सवार होता है जोश उन पर, तब से आपने राजनीति करी है। क्या राजनीति के कुछ नैतिक सिद्धांत नहीं होते हैं? क्या उन सिद्धांतों में महिला का सम्मान नहीं आता है, वो भी खासकर उन महिलाओं का जो उनके साथ राजनीति किसी क्षेत्र में कार्य कर रही है? बिल्कुल होते काव्या जी, राजनीति में भी नैतिकता होती है। तो क्यों नहीं पालन कर पा रहे? और ये वो लोग हैं जो नैतिकता को उठा के ताक पे रख देते हैं, कायदे से किसी भी नेता को नैतिकता का पालन करते हुए ही आगे बढ़ पाता है। बिल्कुल, और ऐसे लोग जो जिनका नैतिकता से कोई संबंध नहीं वही तरह की टिप्पणी करते हैं, जो आप देखिएगा जो मुख्य धारा के लीडर होते हैं उस तरह की टिप्पणी नहीं करते। और राजनीति की भी एक नैतिकता होती है। रही बात कांग्रेस की महोदय की, तब चूंकि कांग्रेस में ऐसी टिप्पणियों का प्रचलन है, उनके यहाँ कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं के पद कितना सम्मान है कांग्रेस के नेताओं के पद में, बहुत तमाम सारी घटनाएं उस पर बहुत कई विस्तार से चर्चा हो जाएगी जी। ये कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बिल्कुल पंकज जी, चिंता का विषय है क्योंकि एक राजनेता होने के नाते समाज की जिम्मेदारी जिन कंधों पर दी गई है वो खुद को उन्हें नहीं पता कि वो किस नैतिक जिम्मेदारी की नैतिक उनके पास एक बाउंड्री बनाई गई है उस बाउंड्री, क्योंकि जो कोई भी पेशा हो आप तो बखूबी समझते क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हम लोग तो हर पेशे को बहुत करीब से देखते हैं। बिल्कुल, हर पेशे की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, सीमा को पार नहीं करना होता है, लक्ष्मण रेखा होती है। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा हम जिसे कहते हैं, जिसे हम पत्रकारों के लिए भी कुछ एक सीमा बांधी गई है। बिल्कुल, हम उन सीमा के अंदर ही किसी को कुछ कह सकते हैं, किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, हमारे लिए सीमा डिसाइडेड है। बिल्कुल, समान रूप से राजनीति के लिए भी डिसाइडेड है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये फॉलो कर रहे हो, ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है। फॉलो नहीं, उस तरह के असल में उत्तेजक बयान देना और इस तरह की चीजें करके वो समाज में एक अपना एक नेगेटिव भाषण देके और ये चेक करके वो एक पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। और जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा कि ये जो मतलब
जो मतलब अनुभवहीन हैं या जिनको ज्यादा वो नहीं है वही लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं और बहुत वही लोग ज्यादा इस तरह का बयान देते हैं। पंकज जी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, उसका कारण ये कि आजम खान कोई नए राजनेता नहीं है, उनके बयान में कुछ इससे अलग नहीं थे। कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटे राजनेता नहीं है, देखिए बड़े दिग्गज नाम है ये राजनीति में। आजम खान जी का अगर आप नाम लेते तो आजम खान की शुरू से लड़ाई जयप्रदा से रही है जी। और जयप्रदा उनके हमेशा से उनकी अपोनेंट थी। महोदया से तो नहीं थी, वहाँ भी तो उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, ये भी आपका कहना सही है कि वो तो इस तरह के बयान के लिए सुप्रसिद्ध है और शुरू से ही अंकुश नहीं लगा पाए। कव्या जी, एक अपराधी व्यक्ति जो 1965 से सेना के ट्रकों पे पत्थर फेंक रहा हो, पत्थरबाज से आप किस तरह के बयान के पे कैलाश विजयवर्गीय से कैसे बयानों की उम्मीद करूं? फिर मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपको देती हूं, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं कैलाश विजयवर्गीय। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको इस राजनीति में किसी के दामन को साफ मैं नहीं कहती, किसी के भी दामन को, कारण क्योंकि कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी का ऐसा नेता जरूर होगा जिसने महिलाओं के प्रति कोई ना कोई अभद्र टिप्पणी करी होगी, तो आप भी अपने आप को उसमें साफ मत करिए। आपको बखूबी पता है कि आपके पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानित टिप्पणी दे चुके हैं। सवाल मेरा पंकज जी केवल इतना है, बदलता क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं होती, बड़े राजनेता खामोश क्यों जाते हैं? ये ठीक है, ऐसा कहते जरूर है, लेकिन अगर अभी इलेक्शन में यही क्लिपिंग दिखाई जाए और इसका कायदे किया तो वो इलेक्शन उनके निगेटिव चला जाएगा, वो कितने बड़े पब्लिसिटी उनके कितना भी जनाधार क्यों ना हो, बिल्कुल तो उसका उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो लेकिन इस तरह का कुछ होता नहीं है, लोग जनता यहाँ की भूल जाती है बहुत चीजें, यहाँ की जनता भूलती बहुत जल्दी है, उसका वो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और इस तरह पब्लिसिटी स्टंट बनाते हैं कि मीडिया में छाए रहे, इस तरह के बयान देके हमको आज उनको लोग। पंकज जी, यही तो राजनेताओं की, इसे मैं गलती कहूंगी, राजनेताओं की गलती हो जाती है जहां पर ये समझ लेते हैं कि जनता भूल गई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन मौका मिलेगा जवाब जरूर देती है जनता, क्योंकि जनता के दरबार में आकर न्याय की पलड़ा बैठ गया गलती से तो फिर हिसाब बहुत अच्छे से करना जानती है जनता। अगली खबर का रुख करूंगी, राम मंदिर अभियान को अपनी परिणति तक पहुंचाने के बाद विश्व हिंदू परिषद जल्द ही अपने मूल एजेंडे घर वापसी अभियान पर नए सिरे से जुटेगी, जहां वीप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा है कि वीप की स्थापना का मूल उद्देश्य ही घर वापसी था। वहीं इसके अलावा वीप ने अयोध्या विवाद में मिले जीत के बहाने व्यापक अभियान चलाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसके तहत राम मंदिर के निर्माण के पहले दिनकार सेवा कराने की योजना पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। साथ ही राय ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन विहिप के लिए एक पड़ाव था, उसकी मंजिल हिंदुत्व को उसका पुराना गौरव वापस दिलाना है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा करूंगी। पंकज जी, क्या कहेंगे, घर वापसी जो अभियान था विहिप का मुख्य एजेंडा जिससे रहा है, उसको आगे बढ़ाएगा अब, क्योंकि जो फैसले को लेकर उस जंग लड़ रहा था उन्होंने तो उसको पहला एक मंजिल कह दी, वो हासिल भी उन्हें हो गई है, तो अब वापस अपने एजेंडे पर काम करना शुरू करेगी जी। बिल्कुल, देखिए विहिप के जो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वो आपके अशोक सिंघल, जो इस समय नहीं है, जिन्होंने अयोध्या मुद्दे को धार दी और अयोध्या मुद्दे को विहिप को आगे ले जाने का काम उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, तो विहिप का व्यापक जनसंपर्क योजना जो उनकी है वो तो चलेगी ही चलेगी, और उनका अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि राम मंदिर का जल्दी से जल्द निर्माण हो। जैसा कि आ रहा है कि मार्च 2020 में हम लोगों का नव वर्ष शुभारंभ होता है चैत्र में, एक डेट वो है और एक डेट है रामनवमी की, उसके बाद रामनवमी आती है, तो ये दो डेटें हो रही हैं, अब किसी भी दिन जो डिसाइड होगी उसका उस दिन मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा और 3 महीने तब तक बीत चुके रहेंगे, 3 महीने के अंदर ये केंद्र सरकार एक ट्रस्ट का निर्माण भी कर चुकी होगी और जो जो इस मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा, तो विहिप भी यही चाहती है, इसीलिए वो जन जन तक जाना चाहती है। ट्रस्ट में विहिप ने भी अपना हिस्सा रखने की बात कही कि ट्रस्ट में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और उन्होंने एक और बात कही कि केवल राम भक्तों को मिलनी चाहिए ट्रस्ट में जो जिम्मेदारियां हैं या फिर हिस्सा कह लीजिए एक तरीके से, जो हम प्रतिभाग करेंगे उसमें उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो राम के भक्त हो। विहिप ने कहा कि हमने भी लड़ाई लड़ी है, काफी लंबा आंदोलन किया, हमें भी ट्रस्ट में अधिकार दीजिए। तो बिल्कुल, विहिप को ट्रस्ट में एक मतलब मेंबर बनाना चाहिए, ये तो जरूरी है, विहिप ने ही इस आंदोलन को काफी आगे तक विहिप ले गए अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में। मैं अगर ये कहूँ पंकज जी की राजनीति की शुरुआत से, राजनीति इस पर शुरू हुई, उससे पहले विहिप इस जंग में था। बिल्कुल बिल्कुल है, और उसने शिला पूजन के नाम पे, उसके नाम पे लोगों को जन जागृत करने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया, तो उसी का नतीजा है कि आज पब्लिक में एक माहौल बना रहा है, इतने सालों से विहिप ही इस कार्यक्रम को चला रहा है, ये नहीं कहना नाकामी होगी, इसलिए विहिप को तो बिल्कुल एक स्थान ट्रस्ट में देना जायज है, देना भी चाहिए, वहां के महंत लोगों को देना चाहिए और यहाँ विहिप के भी एक ट्रस्टी उसमें होना चाहिए। बिल्कुल,
विवेक जी क्या कहेंगे, घर वापसी अभियान के साथ अब विहिप एक बार फिर से अपने मुख्य एजेंडे पर वापस आने की तैयारी कर चुका है। एक ही मंजिल है उनकी कि हमें हिंदुत्व को उसका पुराना गौरव दिलाना है। जी, इसी उद्देश्य को लेकर के वे सिंधु परिषद की स्थापना ही की। बिल्कुल बिल्कुल, कि हिंदुत्व को उसका पुराना गौरव प्राप्त हो और जो धर्मांतरण के कारण हिंदू धर्म को क्षति पहुंच रही है वो रुके, और जो हमारे भाई अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो चुके हैं उनकी घर वापसी हो। जी। ये अभियान में सिंधु परिषद समय समय पर चलाती रही है। बीच में इस मंदिर निर्माण के कार्य में को लिया था सिंधु परिषद ने अपने हाथ में। जी। अब वो परिणाम तक पहुंच चुका है, आगे भी पहुंच जाएगा। तो ऐसे में चंपत राय जी का बयान स्वागत योग्य है कि वो अपना घर पर वापसी के अभियान में लगने जा रही है सिंधु परिषद। अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, स्वागत योग्य तो है। पंकज जी, जो चिंता चंपतराय जी ने व्यक्त करी है, जो घर वापसी का अभियान उन्होंने शुरू करा था, वो कारण ये था कि जो हिंदू धर्म से लोग किसी और धर्मों में अपने आप को हस्तांतरित कर देते हैं, कह लीजिए कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें वापस बुलाया जाएगा। तो क्या ये पहल जो है आपको लगती है कि कारगर होगी, क्योंकि आज के समय की मैं अगर बात करूं तो धर्मों में ज्यादा फर्क लोग नहीं करते हैं। नहीं, देखिए, यहाँ पर पिछली जो सरकारें रही हैं और जो पिछली सरकारों के दौरान, पिछले केंद्र की सरकारों के दौरान सर्वाधिक जो लोगों का धर्मांतरण हुआ वो इसमें आपके ये क्या, ये जो आपके ईसाई समुदाय में ज्यादा हुआ, क्रिश्चियंस में ज्यादा हुआ, और उन लोगों ने बहुत पैसे खर्च किए, उनको कहीं ना कहीं से सरकार का भी छूट रहती थी क्योंकि केंद्र में सरकार उनके द्वारा समर्थित रहती थी कहीं ना कहीं से, तो इसलिए जो है उनको बहुत छूट रहती थी और उन्होंने काफ़ी लोगों का धर्मांतरण किया। और आदिवासी इलाके हों चाहे मतलब जनजाति वाले इलाके हों, जो भी प्रदेश देश के, वहाँ पर इन लोगों ने उस अपनी पैठ जमाई और काफ़ी लोगों का धर्मांतरण किया। तो ये चीज़ अछूती नहीं रही है, तो ये अभियान चलाना जायज है। और इस मुद्दे पर टक्कर देने का काम अगर किसी ने किया तो विश्व हिंदू परिषद ने किया। विश्व हिंदू परिषद ही इन लोगों के धर्मांतरण प्रोग्राम को टक्कर देती थी और हर जगह उसको रोकने का काम करती थी, नहीं और कोई नहीं करता था। तो विश्व हिंदू परिषद ने ये काम किया तो ये उसका कार्य सराहनीय है, नहीं तो काफी लोग जो है ईसाई बन चुके होते। फिर भी काफी लोग ईसाई बने, लेकिन उनको वापस लाने का काम भी, वापस बुलाने का प्रयास करेगी विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद उसके लिए तत्पर भी रहती है और करती भी है। बिल्कुल, उसको मना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पंकज जी, अगर एक बात पे कहो, जो धर्म परिवर्तन लोगों ने कराए हैं जी, उसके बाद ये जो क्रम है बहुत कम होता नजर आया, क्योंकि एक समय सीमा की अगर बात करो, कुछ एक निर्धारित समय सीमा थी जिस दौरान इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा आई, बीच में फिर कभी कभार सुनाई देने को मिलती थी, ऐसी ज्यादा नहीं होती थी। नहीं देखिए, पिछली गवर्नमेंट जितनी भी रही उसमें तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत तरीके से चला, और FCRA जो NGO इसमें रजिस्टर्ड थे, करीब 90,000 NGO ये बीजेपी गवर्नमेंट ने FCRA उनके कैंसिल कर दिए, और FCRA जो होता है फॉरेन करेंसी लेने के लिए FCRA का लाइसेंस लेना होता है। जी, जी, जी। तो ये फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट उसके तरह लाइसेंस होता है, इन्होंने वो लिया और उसमें जो है पैसे बाहर से बहुत आते थे और खास तौर से ईसाई कंट्रीज से बहुत पैसे आते थे इसके लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाइए। तो इसको रोकने का काम अभी 7 साल में, जब से 6 साल में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको रोकने का काम किया। इन्होंने FCRA लाइसेंस काफी NGOs के कैंसिल कर दिए, उनके ऊपर अंकुश लगाया और इस पर पूर्णतया रोक हो गई। और जब से उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से इस पर पूर्णतया रोक हो गई, इस पर एकदम रोक चल रही है। और जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं जैसे सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, और भी प्रदेश के और भी जो इलाके हैं वहां तो एकदम पूरी तरह से हो गया, बल्कि तटवर्ती इलाके जैसे वहां पे उत्तराखंड में है वहां पे भी इस पर काफी रोक लगी, वहां की सरकार ने लगाई। तो इस तरह से इस पर काफी रोक है जिसको कहा जाए। केरल वगैरह में तो ये चीज नहीं चल रही है, नहीं बीजेपी का असर हो पा रहा है केरल वगैरह में, तो ये अभी भी चल रहा है, बखूबी चल रहा है, लेकिन और स्टेटों में बीजेपी ने काफी इसको रोकने का काम किया है कि लोग हिंदू से ईसाई न बने। उनको पैसे का लालच दिया जाता है, उनको नौकरी का लालच दिया जाता है, वो रामदास थे तो रामदास से रामदास फिलिप्स हो जाते हैं, इस तरह की चीजें कही जाती है कि आप उनसे शादी कर लीजिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है, लेकिन वो लोग दिग्भ्रमित होके उसको ज्वाइन करते हैं। तो ये रोकने का काम अगर किया तो बीजेपी गवर्नमेंट जब से सेंट्रल में आई है बीजेपी गवर्नमेंट इसको रोक रही है। करने का मुख्य कारण भी है पंकज जी, आप और हम बखूबी समझते भी, क्योंकि वो खुद हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती है, बीजेपी पार्टी हिंदुत्व के आधार पर बनी थी,
तो आखिरकार क्यों वो ऐसे? भाई देखिए काव्या जी, पूरे 650 अरब की आबादी में, पूरे 650 अरब की आबादी में एक हिंदुस्तानी ऐसा है जो हिंदूवादी राष्ट्र है, तो वो भी अगर खत्म हो जाए, यहाँ 80-90% आबादी हिंदुओं की है, तो वो भी अगर खत्म हो जाए, उसको भी लोग अन्य पार्टियां समाप्त करने में लगी हुई है तथा धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, तो ये निंदनीय है और ये चीज नहीं होनी चाहिए, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए। लेकिन अब जनता इस मामले को समझ चुकी है और बीजेपी ने इस चीज को लोगों में जन जागृत करने का काम किया है कि हिंदू हिंदू है कोई बिरादरी का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे किसी बिरादरी का, तो इससे लोगों में एक जन जागरण आया और इसको लोग खुद ही अब समझ रहे हैं और लोग इस ओर नहीं जाना चाहते। विवेक जी, विहिप की आप हमेशा से मदद करते आए हैं इस कार्य को लेकर, जिस प्रकार पंकज जी ने बहुत अच्छे से उस बात को बता दिया है कि किस कब कब आपने साथ दिया है, कैसे साथ दिया है, आगे भी क्योंकि विहिप आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, आप भी विहिप के साथ हमेशा खड़े रहे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि आपका एजेंडा एक था। यहां पर भी एजेंडा एक तरीके से एक ही है कि लोग हिंदू धर्म को ना छोड़े, क्योंकि जैसे अभी पंकज जी ने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे बहुमूल्य संख्या में हिंदू रहते हैं और वहां भी अगर वो किसी लालचवश धर्म बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्थिति संकट की बन जाएगी, और पिछली सरकारों ने तो उसका जमकर फायदा भी उठाया। आपकी सरकार क्या अभी भी विहिप की उतनी ही मदद करेगी? क्योंकि करेगी, ये तो डेफिनेट है मुझे कि करेगी करेगी, लेकिन और क्या क्या ऐसा करने का प्रयास करेगी जिससे आसानी विहिप को हो जाए? देखिए, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आनुषांगिक संगठन है जी, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। हम विचारधारा में हमारी उनकी एक है, राष्ट्रवाद उनकी भी विचारधारा का मूल है, हमारी भी विचारधारा का मूल है, और राष्ट्रवाद मजबूत तब होगा जब हिंदुत्व मजबूत होगा। जब हिंदू संगठित होगा तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा, हिंदू विघटित होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा, ऐसी हमारी भी मान्यता है, ऐसी विश्व हिंदू परिषद की भी मान्यता है। विश्व हिंदू परिषद यदि घर वापसी अभियान शुरू करने जा रहा है तो हमारे पूरी शुभेच्छा उनके साथ है, जहाँ भी हमारा सहयोग हो वो मांगेंगे, हम उन्हें करेंगे। बिल्कुल, दो मनो मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए। तो साफ तौर पर विहिप के लिए कहीं ना कहीं बेहद आवश्यक हो जाता है बीजेपी का उसका साथ मिलना, और हमेशा से ही बीजेपी ने उसका समर्थन इस चीज़ को लेकर दिया है, क्योंकि कुछ समय तक ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिली जब हिंदू धर्म से लोगों ने अपने धर्मों को बदला, और हमेशा से ही विहिप ने प्रयास किया कि उनके घर वापसी कराया जाए, मतलब उनके धर्म जिस धर्म को छोड़ के गए हैं उस धर्म में उन्हें वापस लाया जाए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।